कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच हाल ही में भारत को एक बड़ी गुड न्यूज मिली है। कोवैक्सीन के बाद दूसरी स्वदेशी वैक्सीन ज़ाइकोव डी को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। भारत में 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों को दी जाने वाली ये पहली वैक्सीन होगी। तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरे की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में 3 डोज वाले इस वैक्सीन का आना बहुत बड़ी राहत है। जल्द ही इस वैक्सीन के मार्केट में आने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि मिड सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन और सप्लाई शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने ज़ाइकोव डी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ज़ाइडस कैडिला को अगस्त में 5 करोड़ खुराक बनाने की मांग रखी थी। हालांकि ज़ाइडस कैडिला ने सरकार की इस डिमांड को पूरा करने में लाचारी जताई है। फार्मा कंपनी की ओर से शनिवार को कहा गया कि कंपनी अक्टूबर तक हर महीने 1 करोड़ डोज का उत्पादन करने में ही सक्षम होगी। कंपनी के एमडी डॉक्टर शर्विल पटेल ने बताया कि फिलहाल सरकार के दिए गए टारगेट को हासिल करना संभव नहीं होगा, लेकिन दिसंबर जनवरी तक उत्पादन क्षमता को 3 से 5 करोड़ हर महीने करने की पूरी तैयारी है। कंपनी ने कहा कि सालाना आधार पर इस वैक्सीन की 12 करोड़ डोज बनाने की उसकी क्षमता होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर बाद में बढ़ाया जा सकेगा। वैक्सीन की कीमत को लेकर भी अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कंपनी कीमत का ऐलान करेगी। ज़ाइकोव डी दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। 3 डोज वाली ये वैक्सीन बिना सुई के लगेगी, जिसमें दर्द भी महसूस नहीं होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।